अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरा हमने जो भी डिस्कस किया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी हमने डिस्कस किया, उससी का एक छोटा सा एप्लीकेशन है। जैसे इससे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर वॉल्यूम, फिर से टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर, इन सारे में रिलेशनशिप कैसे फाइंड कर सकते हैं और क्या हमें सोचना चाहिए, किस तरीके से थर्मोडायनामिक वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि हर साल गेट में कंफर्म एक क्वेश्चन यहाँ से आता है थर्मोडायनामिक से, और क्वेश्चन अच्छा बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चे जनरली, क्योंकि क्वेश्चन में बस थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपका कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे सॉल्व करना है, तो देन डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस फॉर श्योर। ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको पीवी डायग्राम दिया हुआ है, और देने के बाद बोला है कि प्रोसेस जो ये एक थर्मोडायनामिक साइकिल है। साइकिल का मतलब इनिशियल प्रोसेस एंड देन फाइनल प्रोसेस, बोथ विल बी सेम, जिसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक साइकिल। और यहाँ बोला है कि प्रोसेस 1 to 2 जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, जहां पे प्रेशर कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। और इसका प्रेशर भी गिवन है कि P1 इज इक्वल टू P2, बोथ विल बी इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 विल बी 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर बोला है कि जो 2 to 3 है वो एडियाबेटिक प्रोसेस जा रहा है, ठीक है ना, और एडियाबेटिक प्रोसेस का गवर्निंग इक्वेशन जो होता है पी वी और गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है गामा का, गामा की वैल्यू 1.4। और फिर 3 to 1 जा रहा है प्रोसेस, वो क्या बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों के तीनों मुझे प्रोसेस दे रखा है। अब मुझे क्वेश्चन में V1 की वैल्यू दे रखा है 1 m³, और पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है इसमें, पहला पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि पूरे थर्मोडायनामिक साइकिल में वर्क ट्रांसफर कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमें बिल्कुल धीरे धीरे वन बाय वन, कि कैसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ध्यान से देखते हैं, अगर इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं साथ, तो ध्यान से देखो सबसे पहले काम क्या है, मुझे सबसे पहले देखना है कि पूछा क्या है। मुझे पूछा है V2 वॉल्यूम, कि जो 1 to 2 प्रोसेस जा रहा है तो V2 कितना है, और मुझे P1 दे रखा है। तो मैं देखूंगा कि हमेशा जहां जो चीज हमें पूछा है वो पॉइंट और जो हमें गिवन है वो पॉइंट, दोनों के बीच में मैं एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आइडियल गैस इक्वेशंस फॉर वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर मैं 1 से 2 पर, क्योंकि 1 पे मुझे सारा कंडीशन गिवन है, 2 पे मुझे प्रेशर गिवन है, लेकिन वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो मैं 1 और 2 में कुछ ऐसा बना सकता हूं प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप जिससे मैं फाइंड कर सकूंगा V2। तो देखो ध्यान से, 1 से जो 2 प्रोसेस है वो क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस में P तो कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप मिल सकता है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए 1 और 2 के बीच में रिलेशनशिप फिक्स करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूं, तो अब मैं एक चीज, लेकिन एक चीज मैं देख सकता हूं यहां से कि P1 और P3 दे रखा है, P1 और P3 दे रखा है, और V1 दिया है, V3 नहीं दिया है, तो मैं 3 to 1 प्रोसेस के लिए या 1 to 3 प्रोसेस के लिए P और V का रिलेशन यूज कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, मुझे V अननोन है और P गिवन है, तो मुझे किसी भी तरीके से P और V में ही रिलेशनशिप जानना है। अगर मैं 1 से 2 लगाता तो क्या होता, 1 से 2 क्या है आइसोबारिक, और आइसोबारिक के लिए क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो यहाँ और V और T में रिलेशनशिप थोड़ी ना है, यहाँ पे रिलेशनशिप तो किसमें है, P और V में है, तो मुझे ट्राई करना है कि मैं P और V में किस रिलेशनशिप आ सकता हूँ। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होता है 2 से 3 क्यों नहीं कर सकते सर, तो 2 से 3 में करने जाता सर, तो 2 का तो प्रेशर पता है, 3 का प्रेशर पता है, लेकिन वॉल्यूम दोनों का नहीं पता है, V2 और V3। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि जहां पे मोस्ट ऑफ चीजें पता हो और जहां पे कम चीजें फाइंड करनी हो, पहले वो ट्राई करेंगे। लेकिन मैं अगर 1 to 3 या 3 to 1 फाइंड अगर लेता हूं एग्जांपल, तो मुझे पता है 3 पे प्रेशर पता है, ले वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन 1 पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पता है, इसलिए मैं प्रोसेस कौन सा लूंगा फॉर 3 to 1। अब 3 to 1 कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए क्या बोल सकता हूं कि P3 V3 इज इक्वल टू P1 V1।
आप कंफ्यूज नहीं हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हमेशा मत लगाना। कम देखो, आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, 3 से, एंड कहां पे, फाइनल क्या है, 1। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया, 3 से, फाइनल कहां पे, 1। क्लियर? अब यहां से देखो ध्यान से, P3 कितना दिया हुआ है सर, P3 दिया हुआ मुझे 100, V3 फाइंड, V3 नहीं दिया हुआ है, निकालना है मुझे P1 400। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए मैं डायरेक्टली ले लिया यहाँ पे। और जनरली ट्राई करना है कि पी को मैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो पास्कल में लेके चलो, ठीक है, इनटू V1, V1 को मैं मीटर क्यूब में लेके चलूंगा, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1 मीटर क्यूब। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि V3 इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब, मुझे V3 पता चल गया सर, मुझे V3 पता चल गया, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, V2। अब मैं V2 कैसे करूं, यानी कि मुझे 3 पॉइंट पे V3 पता चल गया कितना, 4 मीटर क्यूब। 3 पॉइंट पे प्रेशर पता है, अब मुझे 2 पॉइंट पे फाइंड करना है, 2 पॉइंट पे प्रेशर पता है लेकिन वॉल्यूम नहीं पता। तो अब मैं निकाल सकता हूं फॉर प्रोसेस क्या, प्रोसेस 2 to 3। अब मैं 2 to 3 प्रोसेस अगर जाऊंगा सर, तो मैं आराम से बता सकता हूं क्या कि एडियाबेटिक है, P2 V2 का पावर 1.4 इज इक्वल टू P3 V3 का पावर 1.4, ठीक है। और यहां से मैं जो है पता है, P2 पता है कितना 400, V2 मुझे निकालना है, P3 पता है 100, V3 मुझे मैंने निकाल लिया है 4 का पावर 1.4, यानी सारा दिया हुआ है, सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारा V2 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, V2 की वैल्यू आएगी हमारी 1.486, 1.486 मीटर क्यूब। तो मेरा पहला आंसर आ गया सर कि V2 इज इक्वल टू 1.486 मीटर क्यूब। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि सर V2 इज इक्वल टू 1.486 मीटर क्यूब, मेरा ये आंसर आ चुका है। तो पहला आंसर मेरा डन हो गया। यानी आपने देखा कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, जो पूछा है मैं उसी के पास चलूंगा, टू, और एक तो पॉइंट मेरा ये रहेगा जो पूछा है, और दूसरा पॉइंट मुझे वो सिलेक्ट करना है जहां पे बहुत सारे डेटा नोन हो, ताकि मैं दोनों के बीच में इक्वेशन लगा सकूं। तो वन पे डेटा नोन था, लेकिन वन और टू के बीच में पी और वी के रिलेशन, पी के और वी का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैं 2 से 3 के लिए सोचा, लेकिन 2 और 3 पे बहुत सारा डेटा अननोन पड़ रहा था, इसलिए लास्ट में मैं 1 और 3 के पास गया, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टली मैं कौन कौन से पॉइंट के बीच में रिलेशनशिप लगा सकता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं नेटवर्क, इसमें इसमें क्या है, नेटवर्क कैसे निकालना मुझे। तो नेटवर्क कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, अब मुझे नेटवर्क निकालना है, तो ऐसा मैंने देखा है बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और क्या गलतियां कर देते हैं, सब कुछ सही निकालने के बाद भी गलत सॉल्व कर देते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान देना है हमें कि जो हमारे गेट का पेपर है वो स्कोर करने का पेपर नहीं, गेट का पेपर एरर कम करने का पेपर, जितना कम एरर करूंगा उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, बस लास्ट में थोड़े से मिस्टेक की वजह से मैंने पूरा आंसर गलत लेके आ गया। कैसे, क्या करते हैं बच्चे, वो पहले ही समझ लेते हैं कि सर 1 to 2 प्रोसेस एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, 2 to 3 प्रोसेस वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, 3 to 1 प्रोसेस जो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन है, तो ये नेगेटिव होगा। तो जब मैं निकालूंगा थर्मोडायनामिक वर्क टोटल वर्क, तो इसके लिए प्लस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस निकालूंगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, आपको अगर निकालना है टोटल वर्क तो मैं बोलूंगा डायरेक्टली डब्ल्यू नेट दैट विल बी इक्वल टू W12 प्लस W23 प्लस W31। अपने आप जो प्लस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा, आपको बस एक प्रोसीजर फॉलो करना है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि ये एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव लूं, कंप्रेशन है तो नेगेटिव लूं, आप बस इसको एक प्रोसीजर से फॉलो करो, अपने आप प्लस या माइनस हो जाएगा। कैसे देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं और इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला W12 निकालेंगे, सबसे पहले W12 का मतलब क्या है, 1 to 2 क्या है, आइसोबारिक, और आइसोबारिक में क्या होता है वर्क डन सर, डायरेक्टली आइसोबारिक का जो वर्क डन होता है क्या होता है, इज इक्वल टू पी, कौन सा पी, पी वन लिखो या पी टू लिखो, पी वन फिर मैं बोलूंगा वी टू माइनस वी वन। अरे
इसका अगर आपको लेना है 1 से 2 तो क्या करो, डायरेक्टली 1 से 2 को प्रोजेक्ट कर दो वी पे, तो यही तो होगा। एक ग्रीन वाला, ग्रीन का जो मैं डैश दिखाऊं, यही तो एरिया होगा मेरा। और ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब ये डिस्टेंस इनटू ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है 400 दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस कितना है वी टू माइनस। तो मैं यहां से निकालूंगा कैसे, P1 कैसा है, P1 इज इक्वल टू 400 इनटू V2 कितना है, V2 है सर मेरा 1.486 माइनस V1 कितना है 1। ठीक है, तो ध्यान, लेकिन ध्यान रखना मुझे, ये P मैंने किलो न्यूटन में लिया है, किलो में लिया है, ये मीटर क्यूब में लिया है, यानी कि इससे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलो जूल में आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ये सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली इसको यहां से कैलकुलेटर की हेल्प से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। फोर हंड्रेड इंटू 1.486 माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1.486 माइनस 1 इंटू 400, तो ये हमारा आता है 194.4। ये हमारा आंसर आया 194.4 किलो जूल। किलो क्यों, क्योंकि मैंने प्रेशर लिया था किलो पास्कल में, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इतना मेरा W12 हो गया। नेक्स्ट W23 निकालना मुझे। अब 223 क्या है, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक के लिए मुझे डायरेक्टली पता है फॉर्मूला क्या है एडियाबेटिक के लिए, इसके लिए। अच्छा, इसके लिए अगर मुझे निकालना है तो कौन सा, कैसे निकालेंगे 2 3 के लिए। सर 2 3 के लिए ये जो डार्क एरिया बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 2 3 के लिए यही तो मेरा एरिया होगा। इसको मैं प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं, कहां पे, वॉल्यूम एक्स से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो ये लेकिन 2 3 कौन सा, एडियाबेटिक मुझे पता है डायरेक्टली। तो एडियाबेटिक के लिए मुझे वर्ड में पता है क्या, कि P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। लेकिन ध्यान दो, P1V1 जो P2V2 लिया था वो P1 इनिशियल था, 1 पॉइंट इनिशियल था, 2 पॉइंट फाइनल था। तो यहां पे 2 से 3 लेके जा रहा हूं, तो 2 पॉइंट क्या होगा इनिशियल, 3 पॉइंट क्या होगा फाइनल। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, P2V2 माइनस P3V3 अपॉन गामा माइनस 1। यानी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, P2 कितना दिया है क्वेश्चन में, P2 400 है सर, V2 कितना है 1.486 है, माइनस P3 कितना है 100, V1 V3 कितना दिया है 4 अपॉन गामा, यानी कि 1.4 दे रखा माइनस 1। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा सर, ये हमारा आएगा 486। ये हमारा आंसर आएगा 486 किलो जूल। ये क्या हुआ W23। तो ये मेरा W12 आ गया, W23 आ गया। नेक्स्ट मैं निकालूंगा क्या, नेक्स्ट मैं निकालने जा रहा हूं W31। अब ये मत सोचना कि W31 सर कंप्रेशन है तो माइनस ले लो, कुछ नहीं, अपने आप जो होगा अपने आप होगा। ठीक है ना, लेकिन मुझे बस इतना देखना है कि 321 जो प्रोसेस है वो क्या है, 321 जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो कैसे निकालना है, 321 का मैं क्या करूं, इसका प्रोजेक्शन वॉल्यूम एक्सिस पे कैसे करेंगे, ये रहा। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, वैसे डायरेक्टली एरिया निकालने से बेटर क्या है, मुझे पता है कि 321 आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के लिए मुझे डायरेक्टली वर्क डन का फार्मूला पता है क्या होता है सर। 321 के लिए P1V1 into LnV2 by V1, लेकिन वहां पे 1 इनिशियल पॉइंट था और 2 फाइनल पॉइंट था, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है 3, बस यही ध्यान देना है। तो इनिशियल पॉइंट 3 और फाइनल पॉइंट 1, तो मैं बोलूंगा P3V3 LnV1 by V3। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, P3 कितना है, P3 इज योर 100, V3 कितना है, V3 इज योर 4, LnV1 कितना जाएगा, V1 मेरा हो जाएगा सर 1, V3 कितना है 4, LnV1 by 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आएगा 554.5। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा -554.554.5 किलो जूल। इसको सॉल्व करने पे इतना देखो, ये अपने आप माइनस दे दिया। ये माइनस का मतलब है कि ये जो वर्क हो रहा है वो कौन सा, कंप्रेशन वर्क है। आपको नहीं करना है, आप अगर माइनस,
आप अगर यहाँ पे ऐसा लिखते हैं W12 प्लस W23 माइनस W31, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड हो जाता है पूरा, वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। और अब अगर आप इसको निकालोगे कैसे, आप अगर आप इसको निकालते हो सारा तीनों को ऐड करके, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू नेट, W12 कितना है, W12 कितना है 194.4 प्लस W23 कितना है 486, ये अपने आप माइनस हो गया कितना 554.5। अब नेट जब निकालोगे तो नेट आएगा आपका आंसर 125.9, यानी कि ये हो जाएगा 125.9 किलो जूल, दैट विल बी योर नेट वर्क डन, ये जो पूछा मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, हमें कुछ टेंशन नहीं लेना, हमें आराम से सिंपल वन बाई वन सारे का, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, जो थ्री टू वन जो मैं कर रहा हूँ इसके, इसका मैंने डायरेक्टली क्या किया, वन बाई वन सारे का वर्क डन निकाला, सभी को ऐड कर दिया, और जो सभी को ऐड कर दिया तो अपने आप प्लस है या माइनस है अपने आप इसने कंसिडर कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर इस डायग्राम को देखा जाए सर, तो डायग्राम हमें बहुत कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि अगर ध्यान से देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 टू 1, ये तीन प्रोसेसेस हैं, और तीनों प्रोसेस को कंबाइन करके क्या बना है, थर्मोडायनामिक साइकिल। साइकिल का मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, ये जो मेरा रीजन है, ये एरिया है, देखो ध्यान से, ये नीचे वाला एरिया, ये एरिया ओवरलैप कर रहा है, ये एरिया ओवरलैप कर रहा है, मतलब जब मैं 1 से 2 किया तो ग्रीन वाला प्लस हुआ, 2 से 3 किया तो ये ब्लैक वाला प्लस हुआ, लेकिन 3 टू 1 किया तो ये रेड वाला माइनस कर दिया। तो पूरा ये प्लस प्लस, उसमें से ये एरिया माइनस हो गया। जब ये एरिया माइनस हो गया तो एक्चुअल में क्या बचा, एक्चुअल में केवल मेरे पास ये एरिया बचा सर, ये देखो ध्यान से, ये एरिया बचा मेरे, ये एरिया है जो बिल्कुल ओवरलैप किसी से नहीं हुआ। यानी कि अगर एक मैं यहां से कॉन्सेप्ट बना सकता हूं कि अगर मुझे कभी थर्मोडायनामिक साइकिल देता है सर, कहां से, यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करूंगा और बताऊंगा। पहला कि सर अगर मुझे कभी साइकिल देता है थर्मोडायनामिक साइकिल, और थर्मोडायनामिक साइकिल का वर्क पूछता है, तो आप वन बाय वन निकाल के सारा करो, या नेटवर्क जो होगा, नेटवर्क विल बी क्लोज्ड एरिया ऑफ द साइकिल। यानी कि अगर आपको इस पूरे का नेटवर्क निकालना था, तो आप केवल 1, 2, 3 ये जो है मेरा, इसका एरिया निकाल लेते तो सेम आंसर आता जो अभी मेरा आया है 125.9 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया निकाला, देखो ये यहां से तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हेल्प कर सकता है। कैसे, मान लो मुझे अगर ऐसा दे दिया क्वेश्चन, मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पी है, ये वी है, ऐसा दे दिया, ऐसा प्रोसेस दे दिया, और बोला किसका बताओ, थर्मोडायनामिक वर्क बताओ, नेटवर्क बताओ, तो पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, उससे करो नेट निकालो, या फिर डायरेक्टली मुझे बताया कि एरिया इनक्लोज्ड, जो साइकिल का एरिया, अंदर का एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया है, ठीक है ना, इनक्लोज्ड एरिया, तो उसी का मैं डायरेक्टली एरिया निकालूंगा, तो वही नेटवर्क के बराबर हो जाएगा। तो मैं पूरा वन बाय वन निकाल के डायरेक्टली क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया बता दूंगा, वही डब्ल्यू नेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो साइकिल था, ध्यान से देखो सर, ये क्या था, क्लॉकवाइज साइकिल था, और जब मैंने क्लॉकवाइज साइकिल लिया था तो मेरा आंसर किसमें आया, पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर क्लॉकवाइज साइकिल, क्लॉकवाइज जो साइकिल है वो क्या है, दे रहा है पॉजिटिव वर्क दे रहा है, यानी कि वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, ठीक है। और अगर इसी पे एंटी क्लॉक होता है तो क्या हो जाएगा, वर्क कंज्यूमिंग या वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल हो जाता। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। तो अगर मुझसे किसी ने पूछे, कोई पूछता है कि सर बताओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, किससे क्या बताया आप, किससे क्या कंक्लूड किया आपने, तो मैं बोलूंगा कि सर अगर मुझे कभी थर्मोडायनामिक कोई साइकिल दिया है और मुझे नेटवर्क पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्टली वन बाय वन निकालने से बेटर
डायरेक्ट अगर मैं उसका इनक्लोज्ड एरिया, अंदर का इनक्लोज्ड एरिया निकाल देता हूं तो सेम वैल्यू देगा जो मैं वन बाय वन सब निकालता हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो पीवी डायग्राम पे, क्लॉकवाइज साइकिल ऑन पीवी डायग्राम जो मुझे दे रहा है वो क्या दे रहा है? अगर वो पीवी डायग्राम पे क्लॉकवाइज साइकिल है तो उसमें पॉजिटिव वर्क आ रहा है, मतलब कि वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। और यहीं पे अगर मैं पीवी डायग्राम पे एंटी क्लॉकवाइज साइकिल ले लेता तो वो मेरा वर्क क्या होता? नेगेटिव आता। और जो वर्क नेगेटिव आता तो इसमें बोलता कि वर्क कंज्यूमिंग या वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हमने पूरा क्या क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कौन कौन सी चीजें, इस वीडियो में डिस्कस किया हमने पूरा थर्मोडायनामिक वर्क क्या है। ठीक है, और थर्मोडायनामिक वर्क के बाद हमने देखा कि वेरियस प्रोसेसेस जो है, नॉन फ्लो प्रोसेसेस, उसके लिए थर्मोडायनामिक वर्क क्या फॉर्मूला क्या क्या होगा। फिर हमने सारे प्रोसेसेस को पीवी डायग्राम पे एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के लिए रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस एंड पीवी डायग्राम एक रेफरेंस को लेकर। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि सारे प्रोसेसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशंस को डिड्यूस किया हमने, और उसको करने के बाद हमने एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सॉल्व किया, जिससे जो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। और फिर इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट यानी कि ये वीडियो हमारा कौन सा चल रहा था, 1.4, ठीक है ना। पहले टॉपिक का फोर्थ नंबर वीडियो था, अब हम डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक का फिफ्थ वीडियो। ठीक है, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट, हीट के बारे में, क्योंकि अभी तक हम वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम थोड़ा हीट के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स।